अजल फरजा मोहम्मद दुआ है तुसा तमाम मुमिनीन दा टुराया परदे च मुमिन आत्मा भैन बेटी दा टुराया सदा तो जाम कर करो उस मेहनत मैं ना चीज दी नौकरी तुसा मुमिनीन दा सुनिया मेरे तो पहले मेरे तो बाद पढ़ने लिया नौकरी मेहनत का मुर्शदादी इन्हें दिन इन्हें रातों का सदका कबूल मंजूर फरमा जिक्र पाक का सदका जो जो मोमने बीमार मोला शिफाई को ता फरमा मेरे मालिक जो बे औलाद इन औलाद नरी ना ता फरमा मेरे मालिक जिन्होंने औलादा दी हुई नेक बना आजादार बना नमाजी बना मातमी बना मेरे मालिक फलस्तीन दे मुसलमानों ते रहम फरमा मेरे मालिक नाजुक दौर च हर मोमन दी इज्जत नू महफूज फरमा मालिक इमाम ज़माना दे ज़हूर च ताजी फरमा सारियां दुआवां दी कबूलियत वास्ते खंदा पेशानी नाल सलवात सब तो पहले मैं अपनी तरफों और अपने साथियों की तरफों तमाम मोमिनीन सादात ओ आज़ाम अज दे इस पुर मुसर्रत मौके की मुबारक पेश कर दूं खैर मुबारक और अज दी रात दा सदका बड़िया बरकतां वालियां रातां बड़िया बड़िया रातां ए पाक तो कहने ने भी इन्हें रात को साडे कोलों मंगो क्योंकि मैं छोटी जी दुनिया दुनियावी मिसाल दे दिना कि बच्चा पैदा हो ना किसी घर 10 साल बाद वो मेरा ख्याल किसी को खाली नहीं मोड़ता की ख्याल ये आम दुनियादार बंदे की गल ते अज तक कायनात के बादशाहों के घर खुशी है एक आम बंदा वापस मोड़ना अपनी तवीन समझ एक आम दुनियादार बंदा खाली मोड़ता अपनी तवीन समझ ते जेड़े कायनात दे वारस ने ये किवें हो सकता है कि उन्होंने घर उन्होंने खुशी च शरीक होके ते बंदा खाली तो जाए बस बस खलो मैं गया लैना अपनी मर्जी नाल ते ठंड बेशक बहुत ज्यादा है लेकिन अल्लाह खैर करे मैं ये भी दुआ नहीं कर सकता कि मैं इस तरह का फजायल पढ़ा लेके तुहानू ठंड पै जाएगी अगे बहुत पै गई तुसीं निगे ठीक हो है एदा ना ही जशन है जिहड़ा अज खुश नहीं अल्लाह करे होवे ही ना मेरे वालों थ्रैशरे च आवे जिन्हें मौला की खुशी च खुश नहीं होना तो बस एक मैं गुजारिश करता रहना है कुछ ना कुछ मैसेज जेड़ा वो मेरे आने का मकसद पूरा हो वो मैं मजमे में जरूर छोड़ के जाना है मैक्रो रूटीन 2-4 साल तो मैक्रो रूटीन बनाई है कि बहुत पढ़ चुके हैं 34-35 साल अल्हम्दुलिल्लाह मैं नौकरी कर चुका हूँ इस मेंबर की मेरा साढ़ा हूँ हक बनता कि असी निरे दो आवाज ही सुना के ना टुर जाइए दूरों दूरों या नज़दीक तो जेड़े है और एडे ठंड सर्दी के मौसम चो जेड़े आके सुनते पे हो मौला दी खुशी दे शरीक हो तो तुसी कुछ लैण भी आए हो तो साढ़े सिर्फ आवाज सुन मैसेज ये है कि मोहम्मद सुनी हो सुनी रहो शिया हो शिया रहो मेरा इस गल नाल कोई गर्ज नहीं जेड़ा कीता उन्हूं सांभ के रखो बस ऐ हाथ बदन अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल्लाह दा हाजी वी आ 14 दा जवार वी हुसैन दा जाकिर वी आ बतूल दे पुत्रां दा जंजीर जन मातमा ऐ मेरे कोल ओदे ने ऐ मेरे हाथ बने ने मोहम्मद वाले मोहम्मद नूं सिर्फ मनना है सोचना है
अल्लाह ने अजे वह खोपड़ी नहीं बनाई जंदे चली जा जाए। बड़े फखर एडा सारा होका पर अल्हम्दुलिल्लाह 50 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस है, ट्रांसपोर्ट का भी काम है, 15-20 कोठियां भी किराए से दी, 30-40 दुकान किराए से दी, 7-8 मरबे जमीन भी है, अल्हम्दुलिल्लाह 25-30 लाख रुपया महीने का घर आता है, तो गोश्त मना है। जश्न हो नहीं गया सदके जा, बंदा जरा 50 करोड़ बैंक च पिया उन्हें तेली ला दे बाबा जी, बैंक च 50 करोड़ रुपया ट्रांसपोर्ट यार 25-30 लाख रुपया घर आ जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो गोश्त ना वड्डा ना छोटा छुट्टी, मेरा गोश्त ही नहीं अचार नहीं खाना, मरबा नहीं खाना, कोई फ्रूट नहीं खाना, लस्सी नहीं पीनी, दूध नहीं पीना, होर नेड़े आवा रोटी भी नहीं खानी। बुरे आले और गिरदो नवादे फहीम अजीम लोग मेरे सामने तशरीफ, ए जड़ियां 5-6 चीजां दा मैं नाम लिया है, इन्हां चो हराम केड़ी है, सारियां ही हलाल। आई मैसेज ताज्जुब है, बंदे डॉक्टर दे आखन ते सारियां हलाल शैवां छड़ दिंदे, मासूम दे आखे ते हराम ही छड़ दिंदे। लो मैं अपने आन दा मकसद पूरा कीता, इमाम हुसैन बादशाह इंज दियां हजारां खुशियां तुहाडे सामने और इन्हां खुशियां दा सदका कोई ऐसा घर नहीं जिहड़ा परेशानी तो खाली हो, किसे ना किसे रंग च किसे ना किसे ढंग च कोई ना कोई परेशान हो, इंसान मुकम्मल नहीं हो सकता, जदों मुकम्मल हुंदा है उदों फिर दुनियादार नहीं रहिंदा, ए फकीर दी बैणी वी असीं बैणे, जदों मुकम्मल हो जांदा उदों फिर दुनियादार नहीं रहिंदा, क्योंकि उहनूं दुनिया दे नाल कोई फर्क नहीं, वह मुकम्मल हो जांदा। तो हर जो भी परेशानी है इस पाक मुकद्दस जगह ते टोर आयो, आज दी रात दा सदका मौला सब तो परेशानी छोड़ दे, खसूसन वो मोमिनीन जिहड़े बच्चियां दी वजह तो बेटियां दी वजह तो परेशान है, मेरे मालिक उन्हां दे नसीब जिहड़े जवान हैं मातमी हैं मेरे मौला, उन्हां नूं कदम कदम पे उन्हां दी मौला हिफाजत फरमान, जवानी आंडान शहजादा अली अकबर दी जुत्ती दा सदका और बच्चियां दी मौला जिंदगी करे शहजादा अली अकबर दी दा सदका, तमाम जश्नां दी कठी मुबारक पेश करदा, क्योंकि एक मासूम दी तां आमद है नहीं, इस महीने च भी काफ़ी मासूमीन दी आमद दा सिलसिला, फिर अगला महीना तो फिर सारा ही शबान। तो यह पिछले दिनों मैं शुरू किया, चलो मैं मिसरे पढ़दा तुहानू आपे पता लग जाएगा मैं की शुरू किया। विला की राह में, विला की राह में ठोकर कहीं जो लगती है, अली तो क्या अली असगर संभाल लेते हैं, इंज समझ लो कि मैं पोते तो शुरू करके ते दादे तक जाना, बाबुल हवाइज मेरा मौला कौन अली असगर, असगर दलील सूरह रहमान हो गया, बड़े फहीम लोग बैठे हो, सारी जिंदगी इस लालच नहीं पड़िया कि मैंने बहुत ज्यादा दाद मिले, मैं उन्होंने जाकर मैं बुजुर्ग हंडाए बाबे खादम शाह और पढ़े बी एस साहब उन्होंने तो मैं शागिर्द था, कंबर साहब मैं इन्होंने लोगों ने वेखिया, साई मंजूर, मलक अली जाफर, मोहसन नकवी, इरफान हैदराबादी,
मैं इन्हां बुजुर्गों नूं वेख्या, उन्होंने भी कभी परवाह नहीं सी कीती। अजकल जिहड़े हालात पड़न, जाकर नूं दाद ना मिले, बीमार हो जांदे। मौला दी कसम, मैं ड्रिपां लगदियां वेखी भी कि सानूं दाद क्यों। ਉਹ ਬਾਬਾ ਦਾਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਕਰੀ 'ਚ ਮਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੋ ਚਟਪਟੀਆਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਦਾਦ ਉਹ ਪਈ। ਦਾਦ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਦਾਦ ਹੀ ਮਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਗਦੀਰ ਇੱਕਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਜਮਾ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ, ਜ਼ਾਕਰ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਮੌਜ਼ੂ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਗਦੀਰ 'ਚ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਾਬ ਸਲਮਾਨ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ, ਮੌਜ਼ੂ ਅਲੀ ਵਲੀਉੱਲਾਹ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇੱਲੱਲਾਹ। ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨੀ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਜਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅਸਗਰ ਦਲੀਲੇ ਸੂਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੂਲੇ ਮੇ ਦੁਰ ਥਾ ਦਸ਼ਤ ਮੇ ਮਰ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੂਲੇ ਮੇ ਦੁਰ ਥਾ ਦਸ਼ਤ ਮੇ ਮਰ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲ ਮਿਨ ਕੀ ਸਦਾ ਜਬ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਨੇ, ਅਸਗਰ ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਗਰ ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਰ ਤਕਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰ ਮਿਸਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਖਸੂਸਨ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੀਰ ਤਕਲਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਰਾਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸ਼ਤ ਵੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸ਼ਤ ਵੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਵਾਬ ਖਲੀਲ ਖਵਾਬ ਸੇ ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਵਾਬ ਖਲੀਲ ਖਵਾਬ ਸੇ ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਗਰ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਗੋਦ ਮੇ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਕਹਾ, ਅਬ ਕਰਬਲਾ ਕਾ ਕਾਫਿਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਗਰ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਗੋਦ ਮੇ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਕਹਾ, ਅਬ ਕਰਬਲਾ ਕਾ ਕਾਫਿਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੋਜ਼ਖ ਕੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਚਾਹੀਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਕੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਚਾਹੀਏ, ਜੰਨਤ ਕੋ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਚਾਹੀਏ, ਜੰਨਤ ਕੋ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਚਾਹੀਏ। ਖੁਲਤੀ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋਤੀ ਹੈ ਅਸਗਰ ਕੀ ਉਂਗਲੀਆਂ, ਛੇ ਮਾਹ ਕੇ ਅਲੀ ਕੋ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਚਾਹੀਏ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣ। ਅਲੀ ਕੀ ਮਾਂ ਜੋ ਨਾ ਆਤੀ ਹਰਮ ਸਜਾਨੇ ਕੋ, ਪੋਤੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਥੋੜੀ ਪੜੀ, ਥੋੜੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਫਿਰ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਹੁਸੈਨ ਜਾਣੇ। ਅਲੀ ਕੀ ਮਾਂ ਜੋ ਨਾ ਆਤੀ ਹਰਮ ਸਜਾਨੇ ਕੋ, ਤੇਰੇ ਹਰਮ ਕੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਤੀ, ਤੇਰੇ ਹਰਮ ਕੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਤੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤਾ ਅਲੀ ਕਾ ਅਕਦ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸੇ, ਬਤੂਲ ਰੱਬ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਜਾਤੀ। ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼। ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਖੁਤਬਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਬਰ ਔਕਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਫਖਰੀ ਜਾਫਰੀ, ਫਖਰੀ ਜਾਫਰੀ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਚਤ ਰਹਿੰਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਯਾਰ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ 14 ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਫਜ਼ੈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ 14 ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਫਜ਼ੈਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਐਵੇਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਕੁਛ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ,
सलामत रहो, वसदे रहो। हाँ ये जरूर करना कि मैनू पता हो सही, मैं जिंदा पढ़ना उहदा नाम लैके पढ़ना। पंजाबी दे आप एक दो कसीदे बस साल दे एक दो नवे लिखदा, ओहदे ते पूरा साल लंगर लगा रहिंदा। उन्नी देर नूं मौला दोहो अपनी तो उम्र कटती है अब इस दलील से, लंगर से रोटी खाते हैं पानी सबील से। ए सचियां गल्लां ने फखरी जाफरी उन्हें लिखिया के नबियों की गिलमान की जिन्नात की इंसान की, नबियों की गिलमान की जिन्नात की इंसान की, सबकी मुश्किल है दरे कर्रार ने आसान की। सबकी मुश्किल है दरे कर्रार ने आसान की। आ गया खत्म रसूल की गोद में पहला इमाम, गुफ्तगू होने लगी कुरान से कुरान की। इस कदर तोल के चीरा है अली ने अजदर, कोई चाहे भी तो तरमीम नहीं कर सकता। फैसला हो गया जन्नत हो या अबे कौसर, इससे बेहतर कोई तकसीम नहीं कर सकता। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान نجوى مالک الملک ودبره تدبیرا صلوا السلام اشرف الانبیاء الرسول المسدد والمصطفى المجد والمحمود الامام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا کند مکان دی اندر یا باہر ڈگے چھت ڈگن دا ذہنوں نہیں ڈر جاندا कंध भावे अंदर डिगे भावे छत किधर जानी उत्ते ही आउणी तालब रोगी एक शायर हुंदा सी बदो मली ये उहदे मिसरे वाह वाह कुछ सत अठ दस साल हो ओ इस दुनिया फानी तो जा चुका। चलो चलो जिथे भी वो आया उथों वो भी दुआ करेंगे कि मेरा नाम लैके लिखे कंध मकान दी
अंदर या बाहर डिगे छत डिगण दा ज़हनों नहीं डर जांदा कंध डिगी ते बीबी सदों गई अंदर ए जुमला मुनाफिक नूं खर जांदा कंध डिगी ते बीबी सगों गई अंदर ए जुमला मुनाफिक नूं खर जांदा बिनते असद ने बिनते असद ने काबे दी रखी इज्जत साचियां अखां ते शराए च सर जांदा छेती आउंदी जे ना मैनू काबे दी सौं काबा चल के बीबी दे घर जांदा है विलायत ही इहदी एवें दिल कर रहा है उंज मैं आमद दे भी कसीदे मैं तुहानूं सुणाउणा खुतबे दे नाल रुबाई दे नाल ओह जिहड़ा ज़्यादा मिलदा पिया ना ओह माहौल नूं सामने मद्देनज़र रखदे आ ते नियाज़ी मौला मैं उहदे तों शुरू करनी छेती आउंदी जे ना मैनूं काबे दी सौं काबा चल के बीबी दे कर जांदा जंजी अली दी आ नबी दे जंजी अली दी आ ए आप ही पाला ठंडे ने उठे उठे बिंदु तेरी मेहरबानी उदों दा इत्थे फिरन दे की करन दे आ पता मेरे नाल मैं मेरे नाल इंज हो चुके है बाबा जी मैं मिंबर तो खलोता अठानवे इन्होंने दिनों दे जशन इमाम अली नकी अला सलाम का जशन जी मैं पढ़ूंगे तो मेरे सामने ना फुल बर्फ के कढ़न डे तो मैं आख्या इन्हें मैनू पाने ने तो मैं भज के मजमे च जाके बह गई मैं इतों भी फिर किसी होर पासे निकलांगा जी मेरे लाए इस वास्ते अज इस वास्ते नाराज नहीं हूँ अज खुशी है वेखो ना तुहाडे चेहरे ते मुस्कुराहट खास है अज हसना भी इबादत है साइयां दी खुशी नाल हो जंजी अली दी वेड़े नबी ते जंजी अली दी थोड़ा जहा बुजुर्गों का थोड़ा जहा नाला अटैच जंजी अली दिया आ मैं खुद आ
ने मौला अली दी बरात दीआं वेलां ने, ये मौला अली दी बरात दीआं वेलां ने, इन्हां तों वड्डी न्याज कड़ी है। जांजी अली दीआं वेड़े नबी दे जांजी अली काजी सफदर का लिखा हुआ है कसीदा, काजी वसीम दे वालिद दा, ये उन्हां दा लिखा हुआ है। बड़े बंदे ने दावा किया मेरा लिखा नहीं, नहीं काजी सफदर खाने वाले ने, काजी वसीम दे वालिद। सत चक्कर लाए सारे माशाल्लाह पुराने अजीम अजादार मेरे सामने तशरीफ फरमाओ, कोशिश करते ने इन्होंने दिनों जाकर आवाज बचाते ने, कल चार जगह पढ़ना थोड़ा 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 लगता कि लाओ कभी नहीं बचाया, तो वैसे ही मेरा घर है इतने तो मैं थोड़ा जहा बचाया भी रात मैं सवेरे फड़ लेना मेरे गुआंढ ही रहने लो मैं उस पासे आ जाऊं ये एवं थोड़ा जहा माहौल बनाने वास्ते मैं थोड़ा जहा सिलसिला किया ते जनाबे अली असगर दा कोई दो त्रै शेर इससे मैं तुम सुना दिना ये मेरे भरा दे छोटे दा लिखे मजर दा ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਸ਼ਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਕਸੀਦੇ ਸੋਚੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਅਲੀ ਅਸਗਰ जान है अली असगर
किस तरह हो सकता कि बाबल हवाइज का जिक्र हो बाबल हवाइज जी महफल दे विच आवे ते बंदा आखे मैं आया सी ते मैं खाली तो नहीं है बंदा सोच सकता ते साढ़े मंगण च फर्क हो सकता इन्हां दी अताइच नहीं न्याज़े मौला मशवरा देना चाहना मांग लो जो भी मांगना चाहो मांग लो जो भी मांगना चाहो आज मेहमान है अली असगर दिल की जान है मदर ने बड़ा वड्डा शायरी शेर लिखा थोड़ी नजर कर रहे हैं मेरे भाई ने लिखा शेर बहुत वड्डा शेर है करबला जिसको बहुत प्यारा शेर जिसको चौदा भी प्यार से चूमे ऐसा कुरान है अली असगर दीन की जान है दीन की जान है अली असगर आबाद रहो वसते रहो वसते रहो सलामत रहो ओ कदो साईं मैं एक बुजुर्गां दी याद ताजा करन लगा चलो पला वेखदे आं मैं पहले नहीं दसदा आपे बुझना बस मैं सिर्फ उन्होंने बारे च इना आखूंगा इंज दा रदीफ और काफिया मैं अपनी लाइफ च नहीं वेख्या जिस तरह का वो नभा उन्होंने लिखा है अगर कोई पूछे मेरे तो साईं दस के काबे च मां है दर्दी की लहन गई है अल्लाह तुहाडी जिंदगी च जिन्हां ने सुने ने और पहुंच गए ने सारे मौला साईं मंजूर उन्हां दे दर्जात बुलंद करे ऐसे शायर ऐसे जाकिर रोज रोज पैदा नहीं अगर कोई पूछे मेरे तो साईं दस के काबे च मां है दर्दी की लहन गई है तां मैं अर्ज करसा के काबे दे अंदर अली तो अली दी अम्मा अली लहर गई अल्लाह तो मैं अर्ज कर सां के काबे दे अंदर अली तो अली दी अम्मा ये दा काफी आ रहे माशाल्लाह आबाद रहो वसते रहो
जनाबे सरवरे कायनात फखरे मौजजा मैं सद क्यों आया मंबाए जूदो सखा खरामा खरामा टूर दे होए अली दे पाक बाबे दे कोल आए जनाबे इमरान दे कोल चाचा जान चाची जान नहीं नजर आ रहे जनाबे फातिमा बिनते असद ओ किथे ने हुन मेरा तुहाडे ते सवाल है क्या अल्लाह दे नबी नहीं सी जानदे भी किथे ने बाबा जी जे ए नहीं जानदे फिर असी जानदे हैं इन्ना कोलों कड़ी शै लुकी हुई न्याजे मौल मनना ते फिर इंज दा मनना है ए जानदे ने सारा कुछ अल्लाह अकबर इस गल्ला ने सिर्फ तुहाडे साडे तक पहुंचाण वास्ते बाकी ये सारा कुछ जान तां करके ना गल्लां दा सहारा लिया जाए जान दें पुछे चाचा जान चाची जनाबे फातिमा बिनते असद चाची जान किथे ने मैं सदके अली दा पाक बाबा मुस्कुरा के नबियां दे सुल्तान दे पास मुखातिब हो के फरमांदे ने मैं कर सकदा हिम जेड़ी तेरी मदद कीती सुन गाल बचड़ा मेरी मेरे पास से री मदद की ते बिनते असद रब दे कोलों मेरा ख्याल है के शेरे जली लैण गई बिस्मिल्लाह चल पढ़ दे एडी दूर न्याज लैके लो हसनैन अकबर साहब दी नज़म दे चंद अशआर हाय तेरा रजब की रात हो ज़िक्रे खुदा न हो तेरा रजब की रात हो ज़िक्रे खुदा न हो अलहदा अलहदा मौजूआ ते शेर चुन चुन के कोई शेर खैबर ते कोई जनाबे मिस्र में तमार ते हाँ जी एक गुलदस्ता बनाया है हसनैन अकबर साहब पहला मिसरा तेरा दे तू तेरा रजब की रात हो ज़िक्रे खुदा न हो तेरा रजब की रात हो ज़िक्रे खुदा न हो तेरा रजब की हाँ भाई सुनो हो ज़िक्रे खुदा न हो रजब की रात हो जिक्र खुदा ना हो मुमकिन नहीं के आज अली की सना ना के ना गुलदस्ता बनाया अलग अलग जगह पे न्याजे मौला तुसी आपे पहुंच दे रहना मैं कुसे शेर दी तौजी नहीं करनी तशरी नहीं करनी न्याजे मौला मैं चाहना जड़ी मैं तौजी तशरी करनी मैं कसीदा बता दे इसे तरह तुहाडे नाल सिलसिला जारी रहे सलामत रहो वसदे रहो तुस आप लबड़े किस किस मकाम दा शेर है खैबर के रोज कोई मदीने का घर न था खैबर के रोज कोई मदीने का घर न था जिसने अली के नाम का सदका लिया न हो खैबर के रोज कोई मदीने का घर न था
जिसने अली के नाम का सदका लिया ना हो, जिक्र खुदा ना हो, अली की सना ना हो, सदका लिया ना हो। काफिया जनाब दे सामने तौजी नहीं तशरी नहीं, दूसरा शेर जनाब तक भेजना जाना कि मैं बही मी समी के रास्ते पे कदम रख चुका। जिक्र अली तो होगा जुबान हो के या ना हो, हाय 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 मिल गए मिल गए। हैदरी मिसम के रास्ते पे कदम रख चुका हूँ मैं, जिक्र अली तो होगा जुबान हो के या ना। आबाद रहो वस्त रहो रद्दी के भाव भी मैं खरी ढूंढा वो किताब, रद्दी के भाव भी मैं खरी ढूंढा वो किताब, जिसमें अली के घर का कहीं तज़किरा ना हो। कसीदे दा दिल शेर जिना मैं जनाब तक भेजना चाहना, तौजी नहीं तशरी नहीं, मेरा ख्याल तौजी तशरी दी लोड़ ही नहीं, तुहाडा कैच ही बड़ा जबरदस्त है। मैं मेरा ख्याल जदों दा मैं पढ़ना शुरू कीता कोई लफ्ज जमीन दे पासे तक गया नहीं, एडा जबरदस्त कैच कर रहे हो लफ्जां नूं। ते नियाज़े मौला इस शेर नूं भी कैच करो। राज़िक रहीम किबरिया का एक वली पर जजा ना हो, हाय 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 पर जजा ना हो। सलामत रहो वसदे रहो वसदे रहो। अच्छा हुण ऐ शेर पढ़न तो पहले हैं, अच्छा वो भी पढ़ दे, ऐ शेर पढ़न तो पहले नियाज़े मौला मैं वैसे जसारत कर रहा कि मैं तुम हाथ खड़े करना चाहता, लेकिन ये मकसद शेर वो बंदे हाथ खड़न करन जिन्ना दे नाम दे नाल अब्बास लगदा काफी तो ज्यादा हो, यानी नाम अज़र अब्बास मज़र अब्बास हसनैन अब्बास सकलैन अब्बास गुलाम अब्बास नाम जी मैं नाले गुलाम अब्बास गुलाम अब्बास रतन तो फिर बाद की गल ते गुलाम अब्बास मैं वही गुजार जिन्ना नावां दे नाल अब्बास लगदा अगर वो चुप कर गया ना ते बस फिर ठंड भी बड़ी फिर आप ही समझ मैं कुछ नहीं कह रहा, चुप हो ही नहीं सकदा इली वाला चुप हो नहीं सकदा ऐवें गल्लां करदा जिन्ना जिन्ना नावां दे नाल अब्बास लगदा ओ सर चा के मेरे पास वेखन किवें बई इतनी आबाद रहो वसदे रहो। मैं ऐसे मरहले च आ गया जिथे आके मैं आप सुने कई जाकर तय अगर मेरा ये शेर ना सुनया मैं जाकरी छोड़ दे सुनो मैं जाकरी लो चिट्टा जवाब है मैं कोई नहीं जे छड़ मैनू पता है मैनू जिवें मिली एडी सौखी नहीं लगी मेरे पिछे 34 साल मैनू पता नहीं कादे लई मैं छड्डां किसे टाइम शेर नहीं भी हुंदे
तो मैनू तो होर कोई काम ही नहीं आऊंगा। जाकरी छड़ के तेरे पास ना, ना जाकरी कोई नहीं जो मैं छड़नी छोड़नी मेरे हाथ बने इन्ना अंदाजा तुसी कर सकते हो। मैं जो इन एंड ते रखी बैठा है शेर भाभी कुछ ना कुछ तो शेर है ना जिन एंड ते रखी बैठा शेर मुलाजा क्यों भाई उस घर में आयतों की तिलावत हराम है। नौकर उस घर में आयतों की तिला वत हराम है। उस घर में आयतों की तिला वत हराम है। जिस घर में सैयदा की हदीसे किसा न हो घर में सही अदा की हदीसे किसा न हो। जिस घर नमो कम नहीं सही अदा की हदीसे। मैं समझदा जशन दे मौला च इंज दा नहीं लेकिन हुन बाबा जी दा हुक्म है इस वास्ते जनाबे जौन मैं हुक्म पूरा करन लगा मैं बिस्मिल्लाह करा तारीख ते जिन्हां दी नज़र है साई जाफरुज़्ज़मान ते कलाम लिखिया जिन्हां ने कमाल तुहाडे लिबास वी किया। मैं बिस्मिल्लाह शायरे अले बैत राय अली इमरान साहब दा लिखिया होया मैं आप उन्हां नूं गुजारिश कीती उन्होंने लिख के दिता जनाबे जौन तो और जिन्हां दी तारीख ते नजर है कि जितने भी हाशमी चाहे जानसारे इमाम हुसैन अलैहि सलाम जो जितने भी मैदान च जेड़ा भी गया वो साईं जाफर ज़मान ने भी मजालिस मुंतज़रीन दे विच रिकॉर्ड कीता। उन्होंने कहा भी जितने भी हाशमी गए या जानसारे इमाम असहाबे इमाम हुसैन अलैहि सलाम जेड़े भी गए मैदान वो पहले रजिज पढ़ते हैं। रजिज मीन अपना तारफ करवाना मैं फुलां दा पुत्तर हां फुलां मेरा खानदान है ते पता तारफ क्यों करवांदे सन उत्थे प्यो दा नां दसना पैंदा सी। अच्छा अपना तारफ करवा के फिर अगों पुछदे चल हुण तू भी करवा कित्थों अगे कोई गल ही कोई नहीं लो जनाबे क्या बात है वो हसया इधर थोड़ा मैंने दाद देनी पैगी। अच्छा ओ जनाबे जॉन ने अपना तारफ करवाया इन्ना नु भी पता है अली हक के सब तो अगे बैठे थे इन्नू भी पता है कि अली हक के। लो जी जनाबे जॉन ने अपना तारफ करवाया मैं फिर आखिर बड़ा संजीदा जहा निजाम लेकिन मैं तो बस बड़ा हो गया हम अगली गल मेरे तो सुन लो मैं वो तो शुरू ही हो गए काफी है ना। अच्छा जनाबे जॉन अपना तारफ करवा रहे किस तरह मैं जॉन मुश्किल मैं तो देखो मुश्किल चीज़ में हाथ पाया क्योंकि मुश्किल शायद मन
इस वास्ते मुश्किल नहीं लगे। लेकिन हुण अगला बंदा कहे कि मैं एक घंटे च या अद्धे घंटे च याद करके पढ़ के पढ़ लवे बई मैं सड़दा सौ बिस्मिल्ला मैं दस दिन लाए ने इन अपने हिसाब च करन वास्ते मैं इनू दस दिन दिते ने मैं जगराते लाए ने इहदे वास्ते तां जाके मेरे मतलब दा होया। तू अगला बंदा आखे मैं घंटे च पढ़ते पढ़ी जावे बिस्मिल्ला तुसीं सुन लैण मैं अपनी गल मैं इनू दस दिन दिते ने जनाबे जौन तारफ करवा मैं जौन आखरी लाइन तक टोटल चेंज मैं जौन हूं मैं जौन हूं मैं जौन जनाबे जौन मैं कहना पहली लाइन तो लैके एंड तक टोटल चेंज हूँ पहला अंतरा किसी होर एंगल नाल और अगला अंतरा जो किसी होर एंगल नाल मैं दोवें जनाब नूं सुनाऊं एक सलवात पढ़ दूं मौला दा मदा खान तशरीफ जनाबे जाकिर अले बैह मेरा अजीज ए पुत्र अल्लाह जिंदगी करे मौला इसको ज्यादा वक्त दे शफकत रजा सदा सलामत रहो वाज़े रहो मैं दोवें अंतरे तारी नजर कर देना जनाबे जौन आखे चक पा के आदन कुन फयकून की है गवाही अर्शे औला का हूँ सिपाही ਆਬਾਦਰੋਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਐ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੌਜੀ ਅਸ਼ਕੀਆ ਲੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜੌਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਉਧਰ ਮੌਤ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਤੋਲਦੇ ਆ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਤੋਲਦੇ ਆ ਉਧਰ ਮੌਤ इधर जिंदगी साढ़े पास दौलत ना तो काले रंग की कदर मैं सदका जनाबे जौन आखे चक पा के आदन मैनू काले रंग का ताना देने वाले हो मैनू मौत तो डरावन वाले हो जनाबे जौन आखे चक पा के आदन मौत पे मेरा रंग चढ़े चढ़ेगा मेरी सवारी
अगर याद हो तो मैं थोड़ी देर पहले बाबा जी एक गल की सी कि मैं दो कसीदे पंजाबी दे लिखदे साल ते पूरा साल लंगर लगा उन्नी देर नूं मौला दो होर भेज दे ठीक है ते ऐतकी आ लिखी सारे नाल है ना जो राय अली इमरान साहब का नाम लिया अमीर तकलम साहब जिन्हें जिन्हें कोई कलाम पढ़िया चाहे चार मिसरे पढ़े मैं ना लैंदा मैं पता हो उसमें ना लैंदा ऐ गुलाम बस रतन ने लिखी है भावें हौली जी सुन तो मैं पंजाबी लिखदा तो पिछलियां दोवां जगह ते मैं पढ़ के आया तो मैं दस ही नहीं सकता कि किवें कबूल किया कसीदे नूं राय मेहंदी असल कमाली वाले नाम सुने बजुर्गों ने वेखी होनी वो मौला अली दे दुश्मन दी 15 निशानियां दस दे बंदियां नूं तो दो ही नहीं पचन रही वो 15 निशानी वो फिर अपने अपने मतलब दी लैनी होंदी मैनू जिहड़ियां उन्हां निशानियां च चंगी निशानी लगी मौला अली दे दुश्मन दी एक निशानी ये भी तबीयत जनाना होए खुश हो जाओ खुश हो जाओ इत्थे बड़े सबूत बड़ा मंगदे ने जिम्मेदार जाकर 34-35 साल हंडाई बैठा जाकरिए मैं सबूत अल्लाह दे नबी खैबर च आख्या नी कल आलम ओनू देंगा जिहड़ा मर्द होगा मवद्दत मंगी है मोहब्बत नहीं हाँ मवद्दत कीती जांदी है मवद्दत दे विच ताल्लुक बुजुर्ग अलामा डॉक्टर जमीर अख्तर नकवी साहब उन्होंने यूके मुलाकात उन्होंने कहा बेटा मवद्दत का ताल्लुक गैरत से है हाँ गैरत नाल अच्छा मछली नू पानी दे नाल मोहब्बत नहीं मवद्दत उजड़े बगैर जिंदा ना रह सके किन्नी क मवद्दत है हजम हो जाती है फिर भी पानी मंगन दी गला बारीक ने है ते मवद्दत मंगी ते मैं मिसरा पढ़िया जिहड़ा हैदर नाल मवद्दत रखदा नहीं ते जिहड़ा नहीं रखदा ते साडे नजदीक मोमिनीन दे नजदीक जिहड़ा अली दा मानी ओहदे नजदीक ओहदी क्या हैसीयत न्याज़े मौला जिहड़ा हैदर नाल मवद्दत रखदा नहीं जिहड़ा हैदर नाल मवद्दत रखदा नहीं जिहड़ा हैदर नाल ओह गल मेरी याद है मैं ज़ाकरी नहीं छड़नी सानी मैं वड्डी पढ़न लगा सानी बड़ी वड्डी है मैं आप ही लिखिया जिन्हों ना समझ आवे मौला दी वास्ता ही ओह भी बोल पवे जिहड़ा अज खुश नहीं मैं पहले आख्या अल्लाह करे हो गई ना नाल मवद्दत रखदा नहीं भावें मर्रे विच कब मैं किड्डा करोगा मर्रे विच कब मुल कखदा नहीं मैं जदों भी कसीदा लिखा खास करके रजब दा बाबे दी मैं खिदमत लाजमी करदा रहा पहुंच गया और जदी अलाइनमेंट आउट कीती मेरे मौला ने अलाइनमेंट दी उन्होंने समझ आ कि जिन्हां गड्डियां रखियां अच्छा अलाइनमेंट ठीक करवाया हो जाती है तो जदों फ्रेम भींगा हो जाए ना
मौला ने इंज दी मोहर लाई है, फ्रेम ही अच्छा फ्रेम भी हुंदा हो जाए, गड्डी चलती तो रहती है ऐ करके गड्डिया बैठे दाद दे मौला उदो फिर कंडीशन यही रही। मौला ने किस तरह का तमाचा दिता, इंज का रैपटा करवाया कि फ्रेम ही महंगा हो, सारी जिंदगी टुरदा इधर वेंदा इधर, वो ऐ हालत देखी बाहर दे बंदे, वो की बनिया चंगा भला तू, तू तो सुरमा पाउन गया सी हैं, तेनू बनिया की जाहिलां दा पी उहनां दे पासे वेख के गल करी आ दें जदों पी जवान तुरे खर्ज काफी पुट के रखे, लेकिन हुण मैं पिछे तो नहीं मुड़ना जाने या अली, मैं उत्थे भी शेर ना मुंडिया ने ना कप करके दूसरा कसीदा कर दिता पिछे, तो बंदे आखन जी एक शेर हो रहा है, मैं जी सुना शेर हो मैं मौला दी लो तुसी हुण पता नहीं कहिंदे सुन, तुसी पहले शेर दा अंदाजा होगा जी मैं सुने ते आ तां फिर शेर बब्बर शेर नहीं मैं आखना, दो चार बंदे है ने मौला दे मदद शेर नहीं बब्बर शेर पढ़न लगा उहनूं ऐन वाले शेर दा पता ही नहीं लगा, शीन वाले शेर दा ऐन वाले शेर पता ही नहीं, केड़ा दौर है नैट दा दौर है, मलसा पूरी दुनिया ते सुनिया जांदियां न्याजे मौला इन्ना ही काफी पढ़ो इस शेर वास्ते कसीदा शुरू कीता, इन्ना ही काफी इन्नी नसर काफी है माशर दा मैदान टोलियां दे टोले, एक टोला जिहड़ा काफी देर तो ना धुप्पे खलोता है धुप्पे, ओ मलाइका नूं आख क्यों रोके जा रहे ओ लंघी जांदे सानू इत्थे धुप्पे मारन दे नमाजा पूरी रोजे रखे हुए जकात दिखी हुई हज किए नमाजा च ओवर टाइम लाते रहे तुर गए हो बैठे हो हर शायद तक पंडा बनिया पाला दिया क्यों रोक मलाइका आख्या तुहाडा फैसला साढ़े कोल नहीं साढ़े उस्ताद ने करना जनाबे जिब्राइल एंगल है जनाबे जिब्राइल है हाँ भाई ओ काफी पसीनियो पसीनियो ओ कौन ने उस्ताद जी ओ ही तो है ने जड़े आखन लगे पंडा बनिया पईयां नमाजा पूरियां हज कीते होए ज़कातां दित्तियां होईयां पंडा बनिया पईयां साडे ढेर सारे अमाल जलो बार बार आखसन ढेर सारे अमाल चलो बार बार आखेंगे ढेर सारे अमाल उस्ताद मलाइका जनाबे जिब्राइल मुस्कुरा के उन्होंने पास मुखातब होके आखसन ਇਥੋਂ ਗਾਸੀ ਬਾਂਦਾ ਟੋਲਾ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ
हैदर नाल मवद्दत रखदा नहीं जदों तक जिंदगी है जश्न मनावांगे आज भी मनाया है ते कल भी मनावांगे आज भी मनाया जेड़ा नारा ना मारे उन्हों नारे वाला रंग लावे बाबा जी गवाही देना अगो इंजी आंदे ने जिवें मैं आखी जेड़ा नारा ना मारे मैं आखी उन्हों नारे वाला रंग लावे तुहानू पता जो अगो आंदे ने मैं बददुआवां कदी नहीं कदी मैं अगे गुजारिश की अलहमदुलिल्लाह मैं हज भी किया है ते चौदां दा ज़वार भी हुसैन दा ज़ाकिर भी बतूल दे पुत्रां दा मार मैं आखां नारे वाला मारे ते जे पूरी हो जाती किसे टाइम बंदा अपने ध्याने बैठा होगा फड़काना मेरा मकसद नहीं ठंड च अगे एडा बेचारा एडी दूरों टुर गया ते मैं एवें आखां नारे वाला नहीं लेकिन एह गल जरूर है नारे बिना जशन नारे बिना जशन जरा भी नहीं फबदा अज जड़ा खुश है सानू चंगा लगदा जलदा है जेड़ा जेड़ा ओ सुनू जलावांगे अज भी जलाया है ते कल भी जलावांगे बोलो बोलो बोलो